बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम साडी दुआ के साडे भैन भरा नाल अल्लाह खुश रखे शादो आबाद रखे। इस दुआ नाल करदे आं अज दी वीडियो शुरू। अज दी वीडियो शुरू करन तो पहले एक छोटी जी गुजारिश करदे भैन भरा, साडे चैनल आसी भी सबसक्राइब नहीं किया साडा चैनल आसी भी सबसक्राइब करो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस करो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँचती रहे। करदे आं जी अज दी वीडियो शुरू। अज दी वीडियो असीं अपने भैन भरा दिखावांगे कि घर जिहड़ा वा उह सेम तो किदां महफूज किया जा सकदा, मुकम्मल उहदा तरीका दसदे आं। तो वीडियो जी मेरी है पूरी वाच करे जे तो मेरा जो तरीका वा घर बाहर वाली साइड तो सेम तो बचाने वास्ते कलर तो बचाने वास्ते कि तरीका बंद इस्तेमाल करना चाहिए वा तो वह दिखाने। सामने एक टोटा किया दीवार का जी जी इधली लंबी दीवार की सैन टोटा सारा दीवार का दोबारा नवे सिरे प्लस्तर करना वा कि बने ही नवा वा ते घर भी रंग एक एक कोट जड़ा हो जा रहा वा। काफ़ी चेंजिंग आई है इन दसा दिन घर की तो साल वास्ते तैयार होंगे पा सा थोड़ा तेज ही रखना सी बाहर दीवार का मजून सारे लग गए थले थले मैं क्या सी थले थले चार चार इंच बुरश नहीं मारना है थले वाली साइड तो बुरश नहीं मारिया है तो बाकी उपर देख रहे चल के उपर की किया उपर कि काम कर गए टांगियां बाल्टियां काफ़ी आई रगड़ाई वाला उपर की कर गया जी रगड़ाई वाला तो उपर मैं सफाइयां ला गया हाँ जी सफाइया ला गया बस ये फाइनल कोड रेंदे लाने वाले रंग तो हो गया ये उपर भी होर एक कोड मारना पता नहीं कि कलर का मार दे पक्का रंग है कि चीज़ आ जी कणक तकरीबन पग गई हुई जी आई पाई ना इस साइड तक कणक खड़ी से काफ़ी पग गई है बस ये आप ढेला भी मार गए वड्डी नहीं हैगी जी। बाकी रही पत्थर आ मार्बल तो तैयार होया पिया वा तो लड़ाई वाला चला गया साडा वाढ़ी तो वाढ़ी तो वापसी आऊगा तो फिर आने के देखेगा अगली सूरत हाल की है यदि मशीन जी अपनी खिलार गया इतें ही इस कमरे की मरम्मत भी नहीं कटाई की मशीन खड़ी कर गया इस जगह उ बाहर टोटा बिचो कट गए तो ऐसे आ गया क्योंकि अब दोबारा पमैश हुई जमीन की आ जमीन आई भाई अली इस साइड से भी मार्बल लाने का प्रोग्राम आप चंकी दस पंद्रह किन्ने फुट जगह बनती है जी है पंद्रह फुट चंकी जगह इधर निकल आई है अठारह फुट चलो अच्छा मेन होर भी कवर हो जाएंगे ना जो किचन वाला भी इधर उपर छत वाला भी कोई गल नहीं उच्चा तो फिर की उच्चा दे चलो सारी कुट के बराबर कर लो ना तुम आ बजरी तो बराबर कर लिया ना जी आ बजरी अगली साइड ताली पई है पहले जो पैप पाए हुए हैं कम से कम उन्हें पैपों का भी ख्याल रखे जी ये जी जगह दोबारा भाई अली आई इधरों कमैश करने तो बाद उ दबारी चार दबारी कर दी है
चार दीवारी करके तो इधरली साइड तो भी खोल दी जगह, उधरली साइड दोवें पास जगह रास्ते जो खोल दिए। की प्रोग्राम बनया इतने मार्बल लाने का प्रोग्राम बनया या मार्बल का ही है? चलो सही हो गया, इतने मार्बल ही लाना जी। मैं तो काफ़ी दिन बाद आया अज, तो इस साइड तो भी कहने मार्बल का ही प्रोग्राम मतलब कि कच्चा करके धुप तो पहले पहले मार्बल ला दईए। यह दीवार रही जी मेरे हिस्से प्लस्तर होने वाली, क्योंकि पहले आ जड़िया सारिया मैं ही प्लस्तर कीतिया वा, बनाई भी मैं खुद ही सी। ये तो इधरली तब उन्होंने बना दी सी, काशव भाई उन्हें नाल होकर बना गया से, तो फिर अब जो प्लस्तर होना से कहते भी आप आने करे जी। तो अभी काफ़ी दिनों तो बाद काम से आए हैं, तो आदि अज आ सैड प्लस्तर जी की है। सुबह कच्चे करने जी, बजरी जी मंगा ली है, तो सूरज भी बस गुरूब होने वाला ही आ। थोड़ा जहा रह गया सूरज उपर, बस जो टाइम हो जाता सूरज गुरूब का तो परिंदे भी अपने घर तुर पेंदे, तो असी भी हम अपने घर चलते हैं। खैर करे इस साइड की आड़ी गंदम खड़ी है जी, ये सब तो गेती बीजी सी इतने इन्होंने पिंड भाई अली होने के, माशाल्लाह ये तो पक्की खड़ी है, बस अपनी डेर है इन्हें छुट्टी हुई है काम तो। ते बंदे सारे जड़े लेबर वाले है ये तोड़ रहे अमरूद, अमरूद काफ़ी लगे हुए है, खराब हो रहा थले केर के देख सकते। ते अमरूद भाई होने तो बड़े मिठे है जड़े, वो खाने वास्ते भी छड़ लिया जी अपने वास्ते भी के दिशा पुत सुंडिया नहीं है। चला सारे गुरूब हो रहा, घर के साथ रंग की जी लुक हजे माशाला 3 महीने हो गए, फिर भी हजे तिकर भी उदा ही बरकरार। हजे फुटती पी है बेल सारी उपरों, जिमें जिमें फुटेगी उमें में लगी जाएंगे इस साइड तो। ऐ जे आ रहे इतों इन्होंने थले मोड़ देवे ना, एनू इतों थले मोड़ देवे, आ जी इधर लगर फुटन डी बरीक जीरो दाना जो चिपसदा जी, वो निरे सीमेंट के लाया, तो रंग जरा भी पाना हो रेड ऑक्साइड पाना हो काला रंग पाना हो ब्लैक अपनी मर्जी है, ठीक है जी। उस तो बाद पहले वैसे बजरी लाई सी साइड पर, तो बजरी लाने वाले एक बिल्डिंग बाहर वाली साइड तो सेम नहीं लगती हैगी, प्लस्तर भी नहीं झाड़ता, सेम भी नहीं निकलती बाहर वाली साइड पर। तो हूँ सब तो पहले लावे थली वाली साइड पर नीरू बना के लोहे वाले गरमाले, तो उस तो बाद बजरी पाने पानी, फिर थोड़ा बे मकदार जो रंग में पाना वो पावे पा के, तो फिर इन अला खैर करे तो लाने अपने भन भरा दिखाने भी कि लानी है। अच्छा जी हेल्पर मेरे को नहीं है, मिस्त्री दूसरा नहीं है, मैं कला ही हाँ, तो जोड़ा सा बंदा वा हेल्पर इन्हें मैं क्या तू बजरी जी लाई है नाल नाल। जी बजरी लाने तो पहले जी नीरू इदा करके नीरू ला लेना कुछ इस तरीके नाल। एक जी मुकम्मल ये पतली पतली तह जी नीरू के उत्ते बज हैगी, उस तो बाद फिर बजरी लानी जी शुरू कर, इदा ही तोड़ तोड़ अगे तीन नीरू लग जाएगा, नीरू लाने तो बाद फिर बजरी जी जिदा लानी वो भी दिखाने कितने बजरी ला। अच्छा जी शहद भाई आ गया जी मेरी हेल्प करने वास्ते, मेहरबानी तेरी कला ही फसिया हुआ भाई जी बजरी ला दी है जी। हाँ जी आज साइड भी मुकम्मल हो गई है जी, तो इतों आ जी नाल इधर सस्सी तो इस साइड तो लाई दो फुट,
क्योंकि दवार नवी बनी है साइड के उत्ते दो दो फुट दवार नवी बनाने दे नाल नाल मैं तो मेरी टीम ने जी मुकम्मल एहतियात की है अली भाई का घर जोड़ा वा सेम तो महफूज किस तरह करना वा क्योंकि बहर वाली साइड तो प्लस्तर झाड़ता तो बिल्डिंग अक्सर बहर वाली साइड तो बुरी जी महसूस लगती है तो इस वास्ते असं जरा ना बहर वाली साइड तो चार छफेरे बिल्डिंग दे बजरी जी छाप दी है जी रही सी अज छापी है तो बाकी जी पहले असं छापी से बजरी इस साइड बजरी छापन के फायदे सारे जो दसे है बिल्डिंग ने बजरी नाल लाने के बरीक लाई भी असं इस तरह वा कि थोबिया वगैरह नहीं लाइया ना असी गुरमाले ने लाई है इस तरह लाई है देख सकते बिल्कुल एन दाने दाना जुड़िया हुआ वा अगर कि साढ़े किसी भैन भरा ने अपने घर में बजरी लवानी हो तो तरीका सारा मैं वीडियो दस्या वा इस तरह बजरी लवा के तो अपने घर जरा महफूज किया जा सकता कि उन्होंने सेम तो महफूज हो सके घर हम रह गया जी इन्ना टोटा ये भी ला लें ला के तो उस तो बाद तकरीबन टाइम भी साढ़ा छुट्टी का हो रहा वा घर चल के देखते हैं बच्चों की सूरत हाल है चलो फटो भी फटी फटो मेरा फिर फटी फटो।